शिल्प मेले में घूमते घूमते हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। एक ग्रुप हमको फिर से मिला, ग्रुप पर हमारे साथ हैं सचिन, आकांक्षा और शांभवी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है शिल्प मेले में, और काफी सारी चीजें क्रिएटिव देखने को मिली है, और जैसे फ्लावर पॉट को लेके रूम में वगैरह सजाने के लिए, या इंटीरियर कुछ पिक्चर्स आर्ट वगैरह मिली अच्छे वो लगी, और चीनी मिट्टी के कुछ काफी सारे अच्छे बर्तन और वो पॉट और ये सब अच्छे। आपको क्या पसंद है ज्वेलरी के अलावा बताइए? या शिल्प मेला का मतलब ये होता है कि हमें नई चीजें दिखेंगी, नया नया उनकी क्रिएटिविटी दिखेगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लगा कि मिट्टी की उन्होंने बॉटल बनाई हुई है, जैसे मिल्टन की नॉर्मली बॉटल हम लोग देखते हैं, उन्होंने मिट्टी का बनाया हुआ है। मिट्टी का प्रेशर कुकर भी है इनके पास, प्रेशर कुकर भी था। तो वाकई में यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं लालता प्रसाद प्रजापत जी, जो कि लखनऊ से आए हुए हैं जी। तो ये टेराकोटा का बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। हमने इसको मट्टी शिल्प का नाम दिया कि मिट्टी की कलाकारी है, लेकिन कस्टमर ने कहा, दुनिया के लोगों ने कहे टेराकोटा, तो हमने भी टेराकोटा करना शुरू कर दिया। ये मिट्टी के शिल्प से टेराकोटा की जो कहानी है ये कस्टमर ने दिया हुआ है, कुम्हारों ने कारीगरों ने इसको टेराकोटा का नाम नहीं दिया, इसको नाम दिया कस्टमर ने। हमने तो मिट्टी शिल्प की मतलब वो कलाकारी, हमने मिट्टी शिल्प बनाया। अच्छा ये बताइए क्या क्या चीजें यहाँ पर लेकर आए? भाई देखिए, ये समाती स्टूल है, ऊंट स्टूल है, पॉट है, उड़लियाँ हैं, बाकी सब घर सजाने वाले आइटम है। आप हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें आई हैं, और मैं ये बात लगातार कर रहा हूँ कि आपको इसका हिस्सा क्यों होना चाहिए। आइए हमारे साथ हिस्सा बनिए इस राष्ट्रीय शिल्प मेले 2019 का। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है फिरोज अनवर जी, जो की बहुत खूबसूरत से प्यारे से पर्स और बैग, जाने न जाने कितनी चीजें लेकर आए। क्या क्या चीजें लेकर आए आप? सर हमारे पास हैंडीक्राफ्ट के संबंधित तमाम आइटम है, और बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह, और शोल्डर बैग वगैरह, पूरी रेंज है। ये लेदर के हैं सारे? जी 100% लेदर आइटम है। और हाथ से बनते? जी हैंडीक्राफ्ट। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो कि पूरी तरीके से सजकर तैयार है और आप सभी का इंतजार कर रहा है, और हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस पर आपकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आइए और लुत्फ उठाइए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रिजवान जी, जो कि दिलकश के नाम से जाने जाते हैं, और इनका अंदाज भी बहुत निराला है, और शुरुआत से ही ये, जब से ये शिल्प मेला चल रहा है तब से ये इस शिल्प मेले से जुड़े हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और एक कैसे सहयोग करता है, आप लगातार शुरुआत से जुड़े हैं, तो क्या रवैया रहता है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का? बहुत अच्छा सलूक रहता है, और इसको हम उसने सलूक भी कह सकते हैं, और यहाँ लोगों से मिलाना अच्छा लगता है, यहाँ के कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं। तो एक चादर को बनाने में कितना समय लग जाता है? एक चादर को बनाने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं, और ये पूरा पहले वॉश होता है, फिर इस पे प्रिंट होता है, और फिर प्रिंट के बाद फिर वॉश होता है, फिर पाउडर लगता है, फिर तेजाब मखंगाल दिया जाता है, तो कलर मजबूत हो जाता है। तो मतलब एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसको बनाने का? बिल्कुल, बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस करते पूरी नज़रें रहती हैं, और हमारे कारीगर लोग जो हैं बड़े मेहनती हैं, मेहनत कश होते हैं, और जिस जू में लगे रहते हैं, और उनके साथ साथ नौकर और मालिक दोनों का संगम से ही ये बेडशीट बहुत खूबसूरत तैयार होकर आती है। संगम की बात हुई, संगम का मतलब प्रयागराज और इलाहाबाद, और वहीं पर हम बैठे हैं। तो कुछ संगम नगरी में क्या खास मिलता है, जब आप और भी जगह जाते हैं देश के और भी अन्य कोनों पर जाते हैं, तो क्या वहाँ से और यहाँ प्रयागराज में क्या अंतर देखने को? प्रयागराज में ये अंतर है कि यहाँ जब संगम की बात आती है तो यहाँ एक दूसरे से ग्राहक हो, दुकानदार हो, तो एक दूसरे से उनका संगम होता है, और यहाँ पे हवा, मौसम सब बड़ा अच्छा रहता है, और एक दूसरे से बात करना भी बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी अच्छी दिल खुश हो जाता है, इसलिए हम आप लोग हमें दिलकश कहते हैं। तो ये दिलकश जी हैं मोहम्मद रिजवान जी, मोहम्मद रिजवान जी, दिलकश मोहम्मद रिजवान जी हैं। इन्होंने अपना अनुभव बताया प्रयागराज के बारे में, राष्ट्रीय शिल्प मेले के बारे में। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हम आपको और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। धन्यवाद।